द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों के संबंध। द्विघाती बहुपद में हमने बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध देखा था। वही संबंध द्विघाती समीकरणों के मूल एवं गुणांकों से भी होता है। माना समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। जहां ए 0 के बराबर नहीं है, इस तरह से ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। तब एक्स ऋण अल्फा कोष्टक में दूसरे कोष्टक में एक्स ऋण बीटा कोष्टक बंद बराबर 0 या एक्स की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0 वर्ग समीकरण होगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। वर्ग समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 को निम्नलिखित रूप से भी लिखा जा सकता है। कहीं हम इसके दोनों पक्षों में ए से भाग कर देंगे तो ये होगा एक्स की ए एक्स की घात 2 बटा ए करेंगे तो एक्स की घात 2 बचेगा, धन बी एक्स बटा ए करेंगे तो बी बटा ए एक्स और धन सी को ए से भाग करेंगे तो सी बटा ए बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हम देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 दोनों ही एक ही समीकरण के दो रूप है, अतः इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटा ए। ये अल्फा धन बीटा ये मूलों का योग है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम तुलना करेंगे, एक्स के सामने अल्फा धन बीटा है और यहाँ पे हमारे पास एक्स के का जो गुणांक है, यहाँ एक्स का गुणांक ऋण अल्फा धन बीटा है और यहाँ एक्स का गुणांक बी बटा ए है। इन दोनों की तुलना करने पर मूलों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटा ए हो जाएगा। ऋण ये वाला यहाँ हम बी बटा ए में ले लिए, ऋण बी बटा ए हुआ। तथा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, जब हम गुणनफल अल्फा बीटा लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो स्थिरांक है अल्फा बीटा, ये गुणनफल है जो कि समीकरण 2 से तुलना करें तो अल्फा बीटा सी बटा ए होता है। तो इस तरह से हमने मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बेटा ए प्राप्त किया तथा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा जो है सी बटा ए है। यह हमारे दो सूत्र मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा ऋण बी बटा ए और तथा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए प्राप्त होता है।